अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिलर इंडाइसिस पार्ट टू। मतलब इसका पार्ट वन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो काइंडली आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको इस वीडियो की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो प्लीज़ पहले आप पार्ट वन देखिएगा और दिस इज़ अ पार्ट टू। नो, लेट्स मूव टूवर्ड द एग्ज़ाम्पल नंबर फोर। जैसा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, मिलर इंडाइसिस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ओरिजिन को फिक्स करते हैं। तो पहले तो सबसे पहली बात तो मैं इस ओरिजिन को यहाँ पे फिक्स करती हूँ। ठीक है, तो ये एक्स वाली एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ जी एक्सिस। ओके, ये अब हम चेक करेंगे हमारा प्लेन किधर है। ये हमारा प्लेन, ये आपको नज़र आ रहा है ना रेड रेड, ये हमारा प्लेन है। ओके, अब आप चेक करें जो सबसे पहले मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी वो कुछ इस तरह थी। ठीक है, कि उसमें जो प्लेन था वो ये पड़ा हुआ था, इस साइड पे पड़ा हुआ था। लेकिन अगर आप इस एग्ज़ाम्पल को देखें तो यहाँ पे इसी तरह प्लेन, बिल्कुल इसी तरह, लेकिन ये क्यूब के यूनिट सेल के सेंटर में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरह ही कैलकुलेट होगा इसका भी, एक्स वाई और जी। इधर हम क्या लेते हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो अगर मैं ये कंसीडर करूँ कि मेरा जो रेफरेंस बॉक्स है वो वन है, यानी उसकी लेंथ में अगर वन कंसीडर कर रही हूँ, तो उसकी लेंथ अगर मैंने वन कंसीडर की है पूरे बॉक्स की, पर प्लेन हमारा तो सेंटर में प्रेजेंट है ना, मतलब हाफ ऑफ क्यूब सेल में प्रेजेंट है वो, तो अब फिर इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, वन ओवर टू। क्या हो जाएगी इसकी लेंथ, वन ओवर टू। अगर मैं अपने बॉक्स की लेंथ, वैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में चेंज की थी, कभी वन की थी कभी टू की थी, फिर वन कर दी थी। अगर मैं इस पूरे बॉक्स की लेंथ को टू कंसीडर करती हूँ, ठीक है, अगर आपको टू गिवन है या आप ख़ुद भी टू कंसीडर करते हैं, तो जो आपका प्लेन है वो क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट है, तो अब आप उसको हाफ़ करेंगे, टू की जगह फिर आप वन लिखेंगे। ठीक है, लेकिन इस टाइम मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ कि इस पूरे रेफरेंस बॉक्स की, जो मेरा बॉक्स है जिसे मैं रेफरेंस के तौर पे ले रही हूँ, ये जो मेरा यूनिट सेल है, मैं इसकी जो लेंथ है उसको वन कह रही हूँ। ठीक है, वन कह रही हूँ, तो ये किस में प्रेजेंट है, लेकिन ये तो हाफ 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 क्यूब के अंदर, मतलब सेंटर में प्रेजेंट है, तो फिर इसकी लेंथ भी हाफ होगी, तो क्या हो जाएगी इसकी लेंथ, वन ओवर टू। ओके, चलो लेंथ हमने डिसाइड कर ली, वो होगी वन ओवर टू। ये यहाँ पे बताने वाला पॉइंट था कि वो क्या हो जाएगी, वन ओवर टू। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो प्लेन है वो कौन कौन से एक्सिस को कट कर रहा है, किस किस एक्सिस के पैरेलल है और उसको कट नहीं कर रहा। तो हमें पता है, ये देखें, ये इसकी ये जो है ये वाली साइड और प्लेन की ये वाली साइड, ये बिल्कुल जिस तरह वाई एक्सिस है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में है ना ये, मतलब ये भी इसी डायरेक्शन में है, और प्लेन की ये जो दोनों साइड्स हैं ये भी इसी डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्लेन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए ये उसको कट नहीं करेगा। इसीलिए वाई एक्सिस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन्फिनिटी। अगर आपको इन चीज़ों का समझ नहीं आ रही कि ये इन्फिनिटी क्या है, कट कैसे हो रहा है, तो काइंडली आप मेरी प्रीवियस वीडियो पार्ट मिलर इंडाइसिस पार्ट वन को देखें। और ये सिंपल है कि ये देखें, ये प्लेन है, ये इसकी ये वाली साइड प्लेन की और प्लेन की ये वाली साइड, ये जो दोनों साइड्स हैं ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो जो दो चीज़ें आपस में पैरेलल होती हैं, क्या वो एक दूसरे को कट कर सकती हैं, नहीं ना कट सकती। ये देखें, ये एक लाइन है और ऊपर से ये लाइन आ रही है, ये इसको कट करके जाएगी। ठीक है, लेकिन ये तो सीधी चलती जाएंगी, जिस डायरेक्शन को ये उसी डायरेक्शन को ये, तो पैरेलल चीज़ें कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। ठीक है, तो जो चीज़ें पैरेलल होती हैं उसके लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, फिर इन्फिनिटी हम लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्लेन था, ये जो सेंटर में पड़ा हुआ, ठीक है, ये देखें, और ये मैंने आपको बता दिया है कि प्लेन की ये जो दोनों साइड्स हैं ये वाई एक्सिस के पैरेलल हैं। ठीक है,
अब प्लेन की चार साइड्स हैं, तो ये जो दो साइड्स हैं अब इनको देखते हैं, ये जो दोनों साइड्स हैं ये आप बताएं किसके पैरेलल हैं, सोचें। ये देखें, ये आपने तीनों एक्सिस को देखना है, ठीक है। क्या ये एक्स एक्सिस पैरेलल है? नो, एक्स एक्सिस तो इस डायरेक्शन को है और प्लेन की ये जो दोनों साइड्स हैं ये तो ऊपर को हैं, ठीक है। तो जेड एक्सिस भी किधर को है? ऊपर को है। तो इसका मतलब ये जो दोनों साइड्स हैं प्लेन की, ये जेड एक्सिस के पैरेलल हैं, तो मतलब ये उसको कट नहीं कर सकता। तो क्या होगा, जेड एक्सिस पे भी हम क्या लिखेंगे फिर? इन्फिनिटी। वो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अंडरस्टूड सी बात है कि तीन एक्सिस हैं एक्स वाई जी, अगर ये प्लेन दो एक्सिस के पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली थर्ड एक्सिस के वो परपेंडिकुलर होगा और उसको कट करेगा। ये देखें, ये प्लेन है ना, तो ये देखें ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, ये देखें इसका, इसकी ये वाली साइड देखें, इसको कट कर रही है, ये कट हो रहा है ना, ऐसे कट हो रहा है ऐसे। और इसकी ये जो ऊपर से लाइन आएगी ये वाली साइड, ये भी इस तरह कट करेगी एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो फिर एक्स एक्सिस की यूनिट सेल में मैं ये कह रही हूँ कि इसकी मैंने लेंथ वन कंसीडर की हुई है, लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये जो प्लेन है ये सेंटर में पड़ा हुआ है, इसलिए आप लेंथ भी हाफ कर देंगे, तो फिर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 1/2। ये आपके पास अभी आई है वाई सिंडाइसिस की वैल्यू, ठीक है। बट हमें पता है कि मिलर इंडाइसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाई सिंडाइसिस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो ये क्या होगा, ये आपके पास होगा 1/1/2, ठीक है। 1/2 क्या है, ये है ना 1/2 वैल्यू आई है जो, और 1/∞, फिर से 1/∞, ठीक है। इनकी मैंने रेसिप्रोकल लिया तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, तो ये इसका आंसर बना है 200। इसको आपने 200 नहीं पढ़ना, इसको 200 ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे जब ये प्लेन सेंटर में है तो मिलर इंडाइसिस की वैल्यू क्या आई है? 200। और जब यही प्लेन इस साइड पे है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ये एक्सट्रीम साइड पे है, ठीक है, एक्सट्रीम राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे हो, ये एक्सट्रीम इस टाइम राइट साइड पे है, तो मिलर इंडाइसिस की वैल्यू क्या आई थी? 100। ये मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था 100, उसकी मिलर इंडाइसिस की वैल्यू आई थी। तो इन दोनों से आप क्या चीज़ हमें नज़र आ रही है कि जैसे जैसे मिलर इंडाइसिस की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, ये देखें ये ज़्यादा वैल्यू ना 200 एज़ कम्पेयर टू 100, जब मिलर इंडाइसिस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो लेस स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ये देखें, इसने लेस स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, इधर उसने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की हुई थी, ठीक है। तो ओके, यहाँ पर ये यूनिट सेल का पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल थोड़ा सा ऑक्यूपाई कर रहा है, वो ये चीज़ आपको माइंड में होनी चाहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं। इधर ये जो ऊपर एग्जांपल है ये भी बिल्कुल उसी तरह प्लेन में पड़ा हुआ है ना, ये सॉरी ये जो प्लेन आपको नज़र आ रहा है रेड रेड, जिस तरह ऊपर पड़ा हुआ था बॉक्स के अंदर, जिसे हम क्रिस्टल का वो कह रहे हैं, सॉरी यूनिट सेल कह रहे हैं, उसके अंदर जिस तरह प्लेन पड़ा हुआ, ये भी उसी तरह पड़ा हुआ। लेकिन ये देखें, ये जो फर्स्ट एग्जांपल थी इसमें बिल्कुल साइड पे पड़ा हुआ है प्लेन, ठीक है, इधर प्लेन सेंटर में हो गया, लेकिन इधर प्लेन बिल्कुल 1/3 पोर्शन पे चला गया, ठीक है, मतलब सेंटर पे नहीं है, सेंटर से अब थोड़ा सा इस साइड पे हो गया, और इसी साइड पे बिल्कुल इस साइड पे भी नहीं है। एक चीज़ के 4 पार्ट होते हैं ना, जैसे एक चीज़ ये होगी इसकी राइट साइड, ठीक है, यानी ये पहली पोजीशन, इसको मैं कह लेती हूँ दूसरी पोजीशन, इसको मैं कहती हूँ तीसरी पोजीशन, और इसको मैं कहती हूँ चौथी पोजीशन, यानी ये 1/3 पोर्शन पे है, यानी तीसरे हिस्से में है ये, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है कि जैसे यहाँ पे वो सेंटर में था, यानी हाफ 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 वाली पोजीशन पे था, तो आपने उसका 1/2 उसको उसकी जो वैल्यू है वो ली थी 1/2। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मतलब 1/3 पोर्शन पे है, मतलब थर्ड वाली साइड पे हो गया,
तो अब आप इसकी वैल्यू का लेंगे 1/3, ओके। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/3। तो ये बिल्कुल जिस तरह ऊपर वाली एग्जांपल है बिल्कुल उसी तरीके से ही कैलकुलेट होगा, सिर्फ 1/2 की जगह आप क्या लिखेंगे, 1/3। और जिस तरह आपने यहाँ पे इसको ओरिजिन लिया था, आप यहाँ पे भी इसको ओरिजिन लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई और यहाँ पे जी, ओके। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो होप सो आपके पास 300 समथिंग इस तरह की वैल्यू आएगी, ठीक है, मिलर इंडाइसिस की। ये आप अपना होमवर्क कंसीडर कर लें, ठीक है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आएगी तो काइंडली कमेंट कीजिएगा, देन आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व इट। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट एग्जांपल, ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना ओरिजिन चेंज करते हैं, ठीक है। पहले मैंने इसको ओरिजिन ले, हर एग्जांपल में इस पॉइंट को ओरिजिन लिया, अब हम इसको ले लेते हैं, ओके। अब इस पॉइंट को हमने ओरिजिन ले लिया, हमारा प्लेन किधर है, दिस इज़ आवर प्लेन ना, दिस इज़ प्लेन, ओके। आपको यूनिट सेल के अंदर नज़र आ रहा होगा कि आपका प्लेन किधर पड़ा हुआ है। अब देखें, ये है, इसको हम एक्स एक्सिस कह लेते हैं, इसको हम वाई कह लेते हैं और इधर जी एक्सिस, ठीक है, ओके। अब देखें, अब आपने बहुत ध्यान से मेरी बात सुननी है। जो मैंने आपको पहली एग्जांपल बताई थी प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल मैंने इस तरह की सॉल्व की थी, जिसमें जो हमारा प्लेन है वो बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ, सबसे ऊपर वाले यानी छत के ऊपर पड़ा हुआ, ठीक है। आप एक ये जो यूनिट सेल है, ये जो क्यूब है, इसको आप अपना रूम भी कंसीडर कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये आप, ये छत तो हो गया ना आपका रूम का, तो यानी ये बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ है। और इसको जब हमने कैलकुलेट किया था, इसका मिलर इंडाइसिस वो आया था 001। आप देखें, ये बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन अब ये भी क्या हो गया, ये भी सेंटर में आ गया, ओके। ये भी किधर आ गया, ये भी सेंटर में आ गया, ओके। तो ओरिजिन भी हमने फिक्स कर लिया, एक्स वाई जी भी, और वो भी हमने बता दिए, और हमने अपना प्लेन भी आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है, ओके। अब हम ये चेक करेंगे कि ये प्लेन किसके परपेंडिकुलर है, किसके पैरेलल है। तो उससे पहले हम इसकी लेंथ चेक करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कर ले, मैंने इस पूरे बॉक्स को जो मैं रेफरेंस ले रही हूँ यूनिट सेल, इसकी अगर मैंने प्रीवियस में 2 लगाई है या 3 लगाई है या 4 लगाई है, तो इट्स ओके। प्रीवियस वीडियो में आपकी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी फिक्स कर लें। अगर आपको गिवन है तो आपने इसके मुताबिक करना है, अदरवाइज़ आप जो मर्ज़ी कर लें, ठीक है। अगर मैं इसकी क्या, पहले मैं इसकी 1 ही ले लेती हूँ, 1 ही कंसीडर की जाती है ज़्यादातर जनरल में, कि अगर आप 1 कंसीडर करते हैं इस पूरे की, ठीक है। लेकिन आपका प्लेन किधर पड़ा हुआ है, आपका प्लेन तो सेंटर में पड़ा हुआ है। तो मैंने ऊपर वाली एग्जांपल में भी आपको बताया कि अगर वो सेंटर में होगा तो आपने 1/2 कर देना है, ठीक है, क्योंकि हाफ हो जाएगी। और अगर ये थोड़ा सा और नीचे होता तो फिर हम क्या कर देते, 1/3। फिलहाल ये सेंटर में है तो हम क्या करेंगे, 1/2। सो अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहले आप लिखें एक्स वाई और जी, एंड दिस इज़ फॉर ए साइड, दिस इज़ फॉर बी लेंथ एंड दिस इज़ फॉर सी, ओके। अब ये जो आपका प्लेन है, ये इसकी ये वाली साइड चेक करें, प्लेन की ये दोनों साइड्स, और आपने एक्स एक्स को देखा होगा, ये भी इसी साइड को है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने प्लेन आइडेंटिफाई करना है और आपने चेक करना है एक्स एक्सिस को, देखें अब आप देखना है कि इस तरह जिस साइड को ये है, ये जो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जी एक्सिस, इसी डायरेक्शन को कौन सा एक्सिस पड़ा हुआ है। तो ये देखें, ये प्लेन की ये जो दोनों साइड्स हैं, ये इस साइड को है, और इन तीनों में से वाई एक्सिस है जो, वो भी इस साइड को है। तो यानी ये जो प्लेन की ये जो दोनों साइड्स हैं, ये वाई एक्सिस के पैरेलल हैं, मतलब जिस डायरेक्शन को वो है उसी डायरेक्शन को ये है। तो फिर हम क्या करते हैं उसके लिए, मतलब ये इसको कट नहीं कर सकता, प्लेन इसको कट नहीं ना कर सकता वाई एक्सिस को, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन्फिनिटी, ओके। और ये जो दोनों साइड्स हैं, ये
ये जो इस साइड को है, ये जो दोनों साइड्स इस साइड को हैं, तो जी एक्सिस तो इस साइड को नहीं है, वो तो ऊपर को है, तो एक्स एक्सिस इस साइड को है, ठीक है। तो मतलब ये जो दोनों साइड्स हैं ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, तो फिर इसकी भी जिसके पैरेलल होता है उसको वो कट नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी यूज़ करते हैं। और अब क्या रह गया हमारे पास, जी रह गया हमारे पास। तो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी और दोबारा से आपको बता देती हूँ कि अगर आपका प्लेन दो साइड्स के यानी दो एक्सिस के, तीन एक्सिस होते हैं ना एक्स वाई जी, थ्री डिमेंशनल हम चेक कर रहे हैं, अगर वो दो एक्सिस के पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली वो थर्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब उसको कट कर रहा होगा। देखें कट कर रहा है ना, ये आपका जो प्लेन है ये जी एक्सिस को कट करेगा, ये देखें जी एक्सिस इस साइड को है ना, तो ये देखें कटिंग हो रही है ना, ये ऐसे कटिंग होगी, और इस साइड को भी मतलब ये कट कर रहा है थर्ड साइड को। अब देखें, अब एक और चीज़ ये मेन पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला वो ये है कि ये जो जी है ये आप यहाँ पे आपने ओरिजिन लिया है, इस टाइम ओरिजिन आपका यहाँ पे है ना, तो ओरिजिन ये ऊपर को जो जी है वो पॉजिटिव है, लेकिन नीचे वाली साइड जो उसकी अपोजिट साइड है वहाँ पे क्या होगा, माइनस जी, ठीक है। ओरिजिन से नीचे तो माइनस में वैल्यू होती है, अगर ये इस साइड पे प्लस एक्स है तो इस साइड पे क्या होगा, माइनस एक्स, अगर ये इधर प्लस वाई है तो इस साइड पे क्या होगा, माइनस वाई। लेकिन एक्स और वाई प्लेन को तो वो कट ही नहीं कर रहा, ठीक है, उनकी तो हमने इन्फिनिटी लगा दी, और ये जो प्लेन है ये ओरिजिन से नीचे पड़ा हुआ है, और ओरिजिन से नीचे की वैल्यूज़ क्या होती हैं, माइनस में, तो फिर जो z वाला है उसको हम क्या करेंगे, माइनस वन ओवर टू, ठीक है, उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, माइनस वन ओवर टू। और वन ओवर टू क्यों किया हमने, ये मैंने पहले आपको बता दिया कि अगर हमने वन कंसीडर किया था लेकिन वो अगर ऊपर होता प्लेन तो फिर वन 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 ही लगना था, ठीक है, वैल्यू वन ही लगनी थी, लेकिन ये सेंटर में है तो इसलिए वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और ये वन अगर आपको गिवन है सेल की रेफरेंस बॉक्स की लेंथ, तो आप वो यूज़ करेंगे, अगर टू होती, ठीक है, अगर वो टू होती तो ये सेंटर में है तो इसके लिए फिर आपने हाफ़ करना था, तो टू का हाफ़ क्या हो जाता है, वन, ओके। तो इस टाइम ये इधर है तो इसका वन ओवर टू है, और माइनस मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि ये ओरिजिन से नीचे है और ओरिजिन से नीचे माइनस सी है, तो माइनस सात इसलिए लगेगा, ठीक है। ये आपके पास है वाइस इंडाइसिस, हम मिलर इंडाइसिस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, वन ओवर माइनस वन ओवर टू का भी रेसिप्रोकल, तो कभी तो इसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो ज़ीरो टू पर चला जाएगा, और माइनस को आप किस तरह शो करेंगे, बार लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई है मिलर इंडाइसिस की वैल्यू, ओके, लेट्स ओके। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम इसको ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक है, इसी पॉइंट को ओरिजिन ले लेते हैं, तो इसको एक्स कह लें, इसको हम वाई कह रहे हैं, और इसको हम जी कह रहे हैं, ओके। जैसे कि सबसे पहले जो मैंने एग्जांपल कराई थी प्रीवियस वीडियो में, उधर हमारा प्लेन इस साइड पे था, ठीक है, और इस साइड को वैल्यू क्या थी, प्लस एक्स, लेकिन इस साइड को वैल्यू क्या होगी, ओरिजिन के इस साइड पे नेगेटिव होगी ना, अगर यहाँ पे प्लस वाई है तो इस साइड पे क्या होगा, नेगेटिव वाई, अगर यहाँ पे प्लस जी है तो नीचे को क्या होगा, माइनस सी, ठीक है। इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है, ओरिजिन को बड़े ध्यान से आपने चेक करना है, कैलकुलेट करना है, ओके। ये आपका प्लेन है, ये मैंने वैसे किया, ठीक है, प्लेन हमारा ये है इस टाइम, ओके। नाउ एक्स वाई एंड जी, अब हम चेक करते हैं ये जो हमारा प्लेन है ये किस किस को कट कर रहा है। अगर आप चेक करें प्लेन की ये जो दोनों साइड्स हैं, z एक्सिस भी इसी साइड को पड़ा हुआ है ऊपर को, तो यानी प्लेन की ये दोनों साइड्स
जी एक्सिस के पैरेलल है, उसको ये कट नहीं कर सकती, उसका आप क्या लगा देंगे, इन्फिनिटी, सिंपल, ठीक है। और अब हम चेक करते हैं इसकी ये जो दोनों साइड्स हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये किस तरह है, ये जिस तरह वाई है, जिस साइड को वाई था वाई भी इसी साइड को था, और प्लेन की ये दोनों साइड भी बिल्कुल उसके ऊपर है और उसको कट कर, उसको सॉरी उसके पैरेलल है, उसको कट नहीं कर सकती, ठीक है। तो वाई का भी आप क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी। तो ऑटोमेटिकली एक थर्ड बच गई है, वो क्या है, एक्स। तो ये एक्स तो इस साइड को है, ठीक है, और आपके प्लेन की कोई भी साइड इस तरह नहीं है, इस साइड को नहीं है, ठीक है, ये इस साइड को है, वाई वाली साइड को, ठीक है, ऐसे कोई नहीं है। तो हम सपोज कर लेते हैं इसकी लेंथ को हम कह लेते हैं थ्री, थ्री कह लेते हैं, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, थ्री, ओके। इस टाइम हम लेंथ को क्या कर लेते हैं, थ्री, सपोज करें आपको थ्री गिवन है पेपर में, ठीक है, तो आप फिर थ्री यूज़ करेंगे, तो ये आपके पास क्या हो गए, वाइस एंड डाइसिस। सो हम इनका इन्वर्स लेके, तो रेसिप्रोकल लेके, तो इसका हम मिलर इंडाइसिस निकालेंगे, तो वो ये आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया मिलर इंडाइसिस इसका। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये इसको भी आप कीजिएगा, ठीक है, और एक और एग्जांपल है ये भी, इसको भी आपने करना है, इसका प्लेन ये है, ठीक है। अब आप ओरिजिन जिसको जिस इसको इसको किसी भी ये जो कॉर्नर नज़र आ रहे हैं आपको, ये वाले ये 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 आप किसी भी पॉइंट को ओरिजिन फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके आपने एक्सिस को मेंशन करना है इसी तरह, ठीक है, और यहाँ पे आपने चेक करना है इसी तरह कि ये भी माइनस जी एक्सिस प्लस जी एक्सिस, इन सब चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और आप इनके मिलर इंडाइसिस कैलकुलेट कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपका आंसर आएगा आपने कमेंट करना है, ठीक है, और फिर मैं आपको बता दूंगी कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके। और एक और चीज़ जो यहाँ पर बताने वाली है वो ये है कि आपने नोट किया होना है कि ये जितनी भी हमने एग्जांपल की हैं पार्ट वन में और पार्ट टू में, उन सब में जो टू एक्सिस हैं उधर वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो आएगी, ठीक है, मिलर इंडाइसिस की, और एक एक्सिस पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि जो हमारा प्लेन है वो परपेंडिकुलर रिक्टेंगुलर प्लेन है, यानी वन डायमेंशन है उसकी, वन डायमेंशनल पड़ा हुआ है वो, यानी किसी एक डायमेंशन में पड़ा हुआ है वो, ठीक है। रिक्टेंगुलर प्लेन हमेशा किसी एक डायमेंशन में पड़ा होगा, तो जिस डायमेंशन में पड़ा हुआ आपने उसकी वैल्यू लिख देनी है, और बाकी आपने इन्फिनिटी इन्फिनिटी कंसिडर करके तो उसका रेसिप्रोकल लेके उसको आपने ज़ीरो ज़ीरो कर देना, ठीक है। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक वन कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, सिर्फ कोऑर्डिनेट के तीन एक्सिस होते हैं ना, एक्स वाई जी, यानी उसकी तीन डायमेंशन होती हैं एक्स वाई जी, तो कोऑर्डिनेट की तीन एक्सिस होती हैं जैसे एक्स वाई जी, लेकिन ये जो आपका आप जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनमें आप नोट करेंगे कि आपका जो प्लेन है वो किसी एक डायमेंशन में प्रेजेंट होगा, इसीलिए तो दो का आंसर आपके पास इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है वाई सिंडाइसिस के लिए, और किसी एक की आप लिखते हैं, ठीक है, और वाई सिंडाइसिस में भी दो का आंसर ज़ीरो ज़ीरो हो जाता है रेसिप्रोकल लेने से, और किसी एक का आंसर आता है। इसका मतलब ये है कि ये जो ज़ीरो ज़ीरो है इससे ये चीज़ गैस करेंगे आप कि ये किसी ये जो प्लेन है आपका किसी एक डायमेंशन में पड़ा हुआ है, इनका आंसर ज़ीरो ज़ीरो है, इधर नहीं पड़ा हुआ, किसी एक डायमेंशन में पड़ा हुआ, और ये फर्स्ट वाला हम एक्स लेते हैं, तो यानी ये किसी एक्स एक्सिस में, मतलब एक्स ये जो आपका प्लेन है ये एक्स डायमेंशन में है, ठीक है, जैसे ये है यहाँ पे, तो यानी हमारा जो प्लेन है वो जी डायमेंशन में पड़ा हुआ है, और ओरिजिन से नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से नीचे ही माइनस होगा ना, ये बार माइनस को शो कर रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, थैंक यू।